हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए ना फिर से ना कुछ शेयर्स है ना सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए ना। अभी है ना एक न्यूज के साथ भी देखा जाए तो, अगर है ना आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं बताने वाला हूँ आज आपको IRFC का शेयर। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर है, आज देखा जाए 47 रुपीज का प्राइस था, बट क्या हुआ, ये बाप रे, 7% मार्केट डाउन, 7.41% एक दिन के अंदर इतना बड़ा ना मार्केट है ना, बहुत अच्छा सा मतलब डाउन हो चुका है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या प्लान करनी चाहिए? ओके, तो यहाँ पर 5 दिनों में भी देखा जाए तो मार्केट ने ना कम से कम यहाँ पर 5% का डाउन कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आप लोगों को वापस मेरे यूट्यूब चैनल पर ले आता हूँ। मैंने आपको ना IRFC में ने ये क्या है कि मैंने ऑलरेडी ना देखो, मैंने ना 23 घंटे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, देखो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ आपके लिए। ओके, ये आप देख रहे हो, कम से कम मैंने मैंने 23 घंटे पहले मैंने ये वीडियो के अंदर है ना आपको IRFC का OFS आ गया था, उसके न्यूज की रिगार्डिंग मैंने आपको ये इसके अंदर कहा था कि क्यों इतना प्राइस भाग रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो रीजन आपके साथ में मैंने शेयर कर लिया था। इसके कारण ही प्राइस का बहुत अच्छा सा मूवमेंट चला और आप लोगों ने फटाफट IRFC के अंदर प्लान करते गए और लास्ट आज मार्केट डाउन हो गया। कोई बात नहीं, वैसे वैसे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी 11.36% का IRFC का अपसी का शेयर सेल करने था और OFS लाने वाले थे, लेकिन ऐसा ये न्यूज तो चली, बट ना न्यूज के साथ इतना कुछ मार्केट के अंदर मूवमेंट्स नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैंने न्यूज आपके साथ प्रेडिक्ट कर ली थी। अभी हम लोग क्या यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, जो डूब गया जो उड़ गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते। आज मार्केट के अंदर अभी ना शार्प सेलिंग हुई है। अभी हम लोग अगर ना देखा जाए, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर इसको अगर ना थोड़ा प्ले करूँ तो मेरे पास है ना क्या प्ले करने के लिए, मेरे पास क्या है, कोई अच्छा सा कोई ऐसा कोई पॉइंट्स जिसे मैं कर सकूं। ऑब्वियसली अभी मेरे पास है ना बहुत सारे अभी पॉइंट्स अभी पड़े हुए हैं। अगर मार्केट को देखो, पहले क्या किया मार्केट ने, ये एक लेवल बना दिया, बराबर, एक ये हम लोग लेवल से ले सकते हैं। दूसरा मार्केट के अंदर है ना ये इस लेवल को नहीं, हम लोग इस लेवल को लेंगे। ओके, ये दो लेवल्स अभी ना अभी है। अब मार्केट क्या हो रहा है, ओके आप है ना थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। मार्केट फिलहाल अभी ना सेम जैसे है ना हर बार ना प्रेडिक्ट होता है, यहाँ पर भी मार्केट क्या होगा, थोड़ा ऐसा 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 कुछ प्रेडिक्शन चलेगा कि काफी दिनों से मार्केट है ना अप एंड डाउन हुआ है। अगर ये चीजें अगर चली तो ठीक है, ना तो अगर कल मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर अगर कोई ऐसी कोई प्लान किया और मार्केट ने जैसे ना 47 के नीचे अगर कोई एक नया एक और लो तैयार किया, बिकॉज ये क्या होता है, जैसे बहुत हाई सेलिंग होती है सारी पब्लिक है ना कूदी मार लेती है फटाफट, अरे सेल करो करके, तो फिर यहाँ पर भी आपकी कोई कैंडल एक नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है। तो फिर अभी अगला क्या हो सकता है, ऑब्वियसली अगला मेरे पास है ना जो नीचे मार्केट आने का जो चांसेस है, वो नीचे आने का चांसेस क्या हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कि मार्केट के अंदर जो नीचे आने का चांसेस है तो ये कितना हो सकता है, 45 का हम लोग ना लेवल ले सकते हैं। एक 45 का लेवल से जो मार्केट नीचे आने का चांसेस बना सकती है, एक में भी हम लोगों के लिए अगर कल अगर कोई बहुत अच्छी अगर सेलिंग्स आ गई तो। और मान लो कि कल है ना लोगों ने सोचा, अरे यार कहीं बहुत अच्छा सा कहीं बेनिफिट बेनिफिट हो जाए, तो यहाँ पर कोई अच्छा सा कोई प्लान हो सकता है, तो फिर कल मार्केट वापस ये अपना जो रेंज है कितने का, वापस जो टारगेट वाला जो पॉइंट है, वो टारगेट वाले पॉइंट्स को अगर लाकर वापस मार्केट है ना 52 पे खड़ा कर सकती है, तो हमारे पास है ना कल ऐसे दो हमारे पास वापस पॉइंट है। ये दोनों जो लेवल्स है ये हमें ना आगे के लिए प्लान्स करने में हेल्प करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा तो कोई सेलिंग्स तो अगर है ना आगे, तो फिर ये अगर ऐसा हो सकता है कि हम लोग 45 का एक लेवल लेकर चल सकते हैं कल के लिए, और अगर ऊपर गया तो 52 का एक है ना हाई बन सकता है। तो हमारे पास अभी क्या करना है मार्केट के अंदर, अगर पहले हम लोग को प्ले करना है, ये देखना है कि कल क्या इसी रेंज के अंदर मार्केट चल रही है या फिर वो ऊपर या नीचे जा रही है। अगर इसने अगर 52 का क्रॉस किया तो ऑब्वियसली एक नया लेवल ऊपर जरूर बनने की कोशिश करेगा, और ना तो नीचे आया तो नीचे अगर ना इस लेवल के ऊपर क्लोज होने के, मे भी हम लोग है ना 45 का हम लोग एक लेवल लेकर चल सकते हैं कि यहाँ तक क्लोज हो सकता है, तो सेम प्राइस पे जैसे 47 पे हुआ है आज वैसे वापस 47 पे क्लोज हो जाएगा। तो ना वैसे कोई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, OFS आता है मार्केट के अंदर, और है ना जब है ना जब लोगों को कुछ चीजें अगर सस्ती में मिलेगी तो फिर ना करेंगे। ओके राइट, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी देखो अभी OFS क्या है कि ना मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने अभी जैसे ना OFS दे दिया, OFS का फुल फॉर्म ही होता है ऑफर फॉर सेल। अगर है ना क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज मैं आपको चीज और समझा देता हूँ कि मान लो कि मुझे किसी दुकान से अगर है ना मुझे है ना मेरी कोई ए दुकान है, वहां पे मुझे को कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है, ओके, और मेरे पास है ना कोई बी शॉप पे जा रहा हूँ वो चीज मुझे वहां पे 8 रुपए मिल रही है, तो फिर आप क्या करोगे, 10 से खरीदोगे 8 से? ऑब्वियसली आपका जो प्लान होगा वो आप है ना 8 पे ही खरीदोगे। ओके, यही हो रहा है मार्केट में फिलहाल, क्या हो रहा है, जो शेयर्स थे वो चल रहे थे 52 पे। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूँ शेयर्स क्या चल रहे थे, 52 पे चल रहे थे, फिर है ना लोगों को पता चला कि यार भाई गवर्नमेंट और सस्ते में देने वाली, तो मार्केट को तोड़ के 47 पे लेकर आएगा।
अभी ना अगर मान लो कि अगर ओएफएस ही अगर है ना, अगर मान लो कि अगर ऐसा दे दिया भाई ओएफएस में अगर है ना 40 रुपया अगर भाव सेट कर दिया मार्केट में, तो फिर ना मार्केट और नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे ऑफर फॉर सेल के लिए प्राइस होते हैं, हर कोई यहाँ पर बिड करने के लिए सोचेगा कि कम प्राइस में कहाँ मेरे को माल मिले। और जैसे ही ओएफएस का किस्सा खत्म, तुरंत अपना किस्सा समझेगा कि इधर से मार्केट सीधा ऊपर जाएगा भाई, इसमें कोई ना रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी अगर जैसे ही ना ऑफर खत्म, बस तुरंत लोग ना भागा भागी करने के चक्कर में वापस भागो 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 करके शेयर खरीदेंगे। और ना रेलवे के शेयर तो बढ़ने वाले हैं, रेलवे के शेयर बढ़ेंगे, इसके पीछे भी मैंने आपको काफी चीजें कही है। मार्केट में बहुत सारी ट्रेन ला रहे हैं, फिर है ना हर जगह पे जो पटरियां बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ये सारी चीजें ना भाई है ना सब करेगा कौन? इंडियन रेलवे फाइनेंस को ही फाइनेंस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें फाइनेंस करेगा तो ऑब्वियस इसका बिजनेस बढ़ेगा, नए नए स्टेशन बनेंगे, नए नए प्लान प्लेटफॉर्म सब कुछ बनेगा। यानी कि धीरे धीरे बहुत एकदम हाई लेवल पे हाई लेवल क्रॉस होने वाला है। तो मेरी राय तो यही होगी कि आपको जिस लेवल में अगर आपको मिला ना 47 में भी अगर आपको मिला ना भाई गुड, समझो 7% नीचे कोई बात नहीं, 45 में मिलेगा तो और, लेकिन छोटा छोटा खरीदना, पहले इतना छोटा फिर इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा करके ना धीरे धीरे ये बना होगा ना, तो इतना बड़ा क्वांटिटी तैयार हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। तो ये एक अच्छी है ना अपॉर्चुनिटी आपके पास ना, ये यहाँ पर है शेयर्स खरीदने के लिए। तो बने रहो, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी अगर चीज अगर इन्फॉर्मेशन आपको आपको रियलिटी में अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार एक तो लाइक बनता है यार। तो भी ना मेरे तो यही कहूंगा कि यार ना भाई थोड़ा लाइक वाइक कर देना चैनल को, और थोड़ा सा ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऑब्वियसली अगर ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों के साथ लाते ही रहता हूँ। और एक और बात, अगर वीडियो के अंदर कोई भी चीज अगर अच्छी लगी है तो आपको है ना प्लीज आप वहां पर है ना कमेंट कर दीजिए, और मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए यार थोड़ा सा कि आपको और कौन कौन से शेयर्स में जानना है वो सारी चीजें कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी अपनी अपनी एनालिसिस करूंगा, वीडियोज बनाते रहूंगा। और ना ये व्हाट्सअप में नंबर दे रहा हूँ, अरे भाई ये व्हाट्सअप नंबर क्यों, व्हाट्सएप नंबर इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी पर्सनली किसी शेयर्स के बारे में आपको जानना है, बट वो शेयर्स के बारे में आप चाहते हो कि थोड़ी पर्सनली रहे यार, बाकी सब लोगों तक नहीं पहुंचे, तब मुझे व्हाट्सएप में भी वो शेयर्स है ना अगर चाहते हो तो मैं बता सकती हूँ। मैं इसके ऊपर भी डेफिनेटली अपनी वहाँ पे एनालिसिस करूंगा। और आपका कोई पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो फिलहाल अगर मान लो कि अगर ना पॉजिटिव है या निगेटिव है, और आप चाहते हो कि मैं उसे रिव्यू करूँ कि वो रिव्यू कैसा है भाई मार्केट के अंदर अच्छा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये मैं कर दूंगा, वो भी ना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे। ओके क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के फैमिली वाले, और यूट्यूब के फैमिली यानी कि आप मेरे साथ हो, तो अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी तो प्लीज मेरा लाइक बनता है कि नहीं। और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना भाई सबके साथ है ना शेयर करो यार, जितने फ्रेंड फैमिली में सबके साथ ना शेयर करो, बहुत डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। मेरा भी नया नया चैनल है, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन बहुत पावर की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे आप लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ यार। इस ना यूट्यूब चैनल में हम लोग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बढ़ूंगा, आपके साथ शेयर्स बढ़ाएंगे, और हमारे साथ है ना सारे पैसे भी बहुत सारे ग्रो होंगे भाई। सबको ना हर कोई ये चाहता है कि भाई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके मेरा कुछ बेनिफिट, ऑब्वियसली बेनिफिट सबका होगा क्योंकि मैं हर बार एनालिसिस करके लाते रहूंगा। ओके फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।